पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगी। और अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोनाउन की डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। एग्जांपल ही शी इट यू दे हरसेल्फ दिस दैट आर कॉल्ड प्रोनाउंस काइंड ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन क्यों यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग के लिए यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन, इट्स रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल He, she, you, it, they, me, I, him, whom, her, them, etc. Personal pronoun में first person में आता है I और we. Personal pronoun में second person में आता है you, your and yours. और personal pronoun में third person में आता है he, she, it, they. Next is reflexive pronoun. Reflexive pronoun वो होते हैं जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में self या फिर selves वो होंगे reflexive pronoun. Reflexive pronoun definition. These are the pronoun ending in self or selves and are used when subject and object of a sentence are same. Herself, yourself, himself, ourself, itself, themselves are few reflexive pronouns. Example, she was looking herself in the picture. तो इसमें herself हुआ reflexive pronoun. Next is reciprocal pronoun. तो दोस्तों हम reciprocal pronoun का use तब करते हैं जब हम action की बात करते हैं। Reciprocal pronoun definition. It is used when two or more nouns are acting to each other or one another in same action. Each other and one another are two reciprocal pronouns. Example, two girls pushed each other. तो इसमें each other हमारी हुई reciprocal pronoun. Next is रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हम क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या फिर प्रोनाउन को जोड़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन डेफिनेशन, दीज आर दोस प्रोनाउंस दैट जॉइंस क्लॉजेस और फ्रेजेस टू नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल, विच, हु, दैट, हुम, हुज, एक्सेट्रा। एग्जांपल, शी इज द गर्ल हु सिंग्स song. तो इसमें वो हुआ relative pronoun. Next is demonstrative pronoun. तो demonstrative pronoun का use हम in a short distance में use करते हैं और हम इसका use in a long distance में use करते हैं. Demonstrative pronoun definition. It is the pronoun which points to a noun, a thing or things. Example, that, this, those, these, such, etc. In a short distance, this, these are used. In a long distance, that, those are used. In a long distance, that, those are used. Example, this is a book. तो इसमें this हुआ demonstrative pronoun. Next example, that is a car. तो इसमें that हुआ demonstrative pronoun. Next is indefinite pronoun. Indefinite pronoun definition, a pronoun that refers to person or thing in a general way is called indefinite pronoun. Example, anybody, anyone, either, neither, nobody, someone, everyone, many, etc. Example, many are called but
यू आर चूजन, तो इसमें मैनी हुआ इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन, इट इज अ प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस और मेकिंग क्वेरीज। एग्जांपल, हु, व्हाट, हूज, हूम एक्सेट्रा। एग्जांपल, हु रोट द रामायण, तो इसमें हु हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू से, तो इसमें व्हाट हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। रमेश मीट डैश ऑन द वे, ए ऑप्शन ही, बी ऑप्शन हिम, सी ऑप्शन सी, डी ऑप्शन हिज। ए ही, तो ही की जगह तो रमेश आ चुका है। सी शी, तो सी की जगह भी रमेश आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिम। डैश डेली गोज टू टेंपल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हर का यूज हम सब्जेक्ट के लिए नहीं करते, सो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। सी हर्स, हर्स का यूज भी हम सब्जेक्ट के लिए नहीं करते, तो हर्स भी हो जाएगा इनकरेक्ट। डी हर्सेल्फ, हर्सेल्फ का भी यूज हम सब्जेक्ट के लिए नहीं करते, तो हर्सेल्फ भी हो जाएगा इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शी डेली गोज टू टेम्पल। क्वेश्चन नंबर थ्री, माई ब्रदर्स आर नॉट एट होम, perhaps dash have gone to market। ऑप्शन नंबर ए वी, तो यहाँ पे वी की जगह माई ब्रदर्स आ चुका है, तो वी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। बी ही, तो ही यहाँ पे हम ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, और ही सिंगुलर है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी शी, तो शी भी सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, डैश आर अवर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर ए दिस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो दिस हो जाएगा इनकरेक्ट। सी ऑप्शन डैट, तो डैट भी सिंगुलर है, वो भी हो जाएगा इनकरेक्ट। डी ऑप्शन देन, देन का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, तो देन भी हो जाएगा इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दीज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डैट आर आवर डैश, ए ऑप्शन बुक्स, डैट मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ये तो हो जाएगा प्लूरल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। बी ऑप्शन डॉग्स, डैट सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो डॉग्स भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सी हाउसेस, हम यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हाउस, तो हाउस में हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट आर आवर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट ईट डैश, ए ऑप्शन समथिंग मतलब थोड़ा सा, सी ऑप्शन लिटल कुछ, एंड डी ऑप्शन का मतलब ये होता है थोड़ा सा, और बी ऑप्शन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही कुड नॉट ईट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश हैज रीड द नावल। ऑप्शन नंबर ए एवरीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी फ्यू, ऑप्शन नंबर सी लिटल, ऑप्शन नंबर डी मैनी, सो ऑप्शन नंबर बी फ्यू इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिटल, लिटल भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मैनी, मैनी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए एवरीबॉडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, द बॉय लॉस्ट मनी बट डैश हेल्प्ड हिम। ऑप्शन नंबर ए एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर बी समथिंग, ऑप्शन नंबर सी नोबडी, ऑप्शन नंबर डी मच, सो ऑप्शन नंबर ए एवरीथिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समथिंग, समथिंग भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मच, मच भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी नोबडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज टॉयज आर डैश, ऑप्शन नंबर ए माय, बी मी, सी ऑप्शन अस, डी ऑप्शन माय, ऑप्शन नंबर ए माय करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मी, मी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अस
असली इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. माइन. दीज टॉयज आर माइन. नेक्स्ट टेन क्वेश्चन इज दिस ओल्ड पेन इज डैश. ए ऑप्शन योर्स, बी ऑप्शन अवर, सी ऑप्शन माइन, डी ऑप्शन अवर सेल्फ. सो ऑप्शन नंबर बी अवर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी माइन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी अवर सेल्फ ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. योर्स. क्वेश्चन नंबर ए आई सो डैश इन द मिरर. ऑप्शन नंबर ए अवर सेल्फ, तो आई के साथ अवर सेल्फ नहीं आता. ऑप्शन नंबर बी हिमसेल्फ, तो आई के साथ हिमसेल्फ भी नहीं आता. ऑप्शन नंबर डी योरसेल्फ, तो आई के साथ योरसेल्फ भी नहीं आता. ऑप्शन नंबर सी माइसेल्फ, तो आई के साथ माइसेल्फ आता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश शुड टेक केयर. ऑप्शन देमसेल्फ, बी ऑप्शन देमसेल्फ, सी ऑप्शन हिमसेल्फ, डी ऑप्शन अवरसेल्फ. तो ए ऑप्शन देमसेल्फ नहीं आएगा. सी ऑप्शन हिमसेल्फ, तो दे के साथ कभी भी हिमसेल्फ नहीं आता. डी ऑप्शन अवरसेल्फ, तो दे के साथ अवरसेल्फ भी नहीं आता. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 30. यू एंड ही विल हेल्प डैश. ऑप्शन नंबर ए हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी योरसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हरसेल्फ, ऑप्शन नंबर डी माइसेल्फ. यू एंड ही विल हेल्प हिमसेल्फ, अगर यहाँ पे हम हिमसेल्फ लगाएंगे तो हो जाएगा गलत. ऑप्शन नंबर सी हरसेल्फ. यू एंड ही विल हेल्प हरसेल्फ, अगर हम यहाँ पे हरसेल्फ लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी माइसेल्फ. यू एंड ही विल हेल्प माइसेल्फ, अगर हम यहाँ पे माइसेल्फ लगाएंगे तो हो जाएगा रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 40. डैश वांटेड टू बीट अस. ए ऑप्शन व्हाट, बी ऑप्शन विच, सी ऑप्शन हु, डी ऑप्शन हुज. व्हाट वांटेड टू बीट अस, अगर हम यहाँ पे व्हाट लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी विच, विच वांटेड टू बीट अस, अगर हम यहाँ पे विच लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. डी ऑप्शन हुज, हुज वांटेड टू बीट अस, अगर हम यहाँ पे हुज लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हु. क्वेश्चन नंबर 15. डैश इज ही रीडिंग द बुक. ए ऑप्शन विच, बी ऑप्शन व्हाट, सी ऑप्शन हु, डी ऑप्शन हुज. विच इज ही रीडिंग द बुक, अगर हम यहाँ पे विच लगाएंगे तो हो जाएगा रॉन्ग. सी ऑप्शन हु, हु इज ही रीडिंग द बुक, अगर हम यहाँ पे हु लगाएंगे तो हो जाएगा रॉन्ग. डी ऑप्शन हुज, हुज इज ही रीडिंग द बुक, अगर हम यहाँ पे हुज लगाएंगे तो हो जाएगा इनकरेक्ट. बी ऑप्शन व्हाट इज द करेक्ट आंसर. 16th क्वेश्चन. ही रोट सम सेंटेंसेस बट आई डिड नॉट रीड डैश. ए ऑप्शन देम, बी इट, सी दे, डी दिस. ही रोट सम सेंटेंस बट आई डिड नॉट रीड देम, अगर हम यहाँ पे देम लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सॉरी, अगर बी ऑप्शन इट, अगर हम यहाँ पे इट लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी दे, ही रोट सम सेंटेंस बट आई डिड नॉट रीड दे, अगर हम यहाँ पे दे लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा. डी ऑप्शन दिस, आई डिड नॉट रीड दिस, अगर यहाँ पे हम दिस लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज राइटिंग हिज नेम. ए ऑप्शन आल, आल इज राइटिंग हिज नेम, रॉन्ग हो जाएगा. बी ऑप्शन सम, सम इज राइटिंग हिज नेम, तो सम भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी ऑप्शन हुम इज राइटिंग हिज नेम, तो हुम भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एवरीबॉडी. 18th क्वेश्चन. डैश हैव द टीचर बीटन. ए ऑप्शन हु, हु हैव द टीचर बीटन, तो हु इनकरेक्ट हो जाएगा. बी व्हाट, व्हाट हैव द टीचर बीटन, व्हाट भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थ्री विच, विच हैव द टीचर बीटन, तो विच भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी हुम, हुम हैव द टीचर बीटन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हुम. क्वेश्चन नंबर 19. Dash is happy with him. A option A, B option D,
सी ऑप्शन नोबडी, डी ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ए आल इज हैप्पी विद हिम, आल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दे इज हैप्पी विद हिम तो दे लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। डी वी इज हैप्पी विद हिम, वी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नोबडी। क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव सॉल्वड आवर सम, हैव यू सॉल्वड डैश ए आवर्स, बी योर्स, सी हर्स, डी माइन। ऑप्शन नंबर ए आवर्स, वी हैव सॉल्वड आवर सम्स, हैव यू सॉल्वड आवर्स तो अगर आवर्स लगाएंगे गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन हर्स, हैव यू सॉल्वड हर्स, हर्स लगाएंगे गलत हो जाएगा। डी माइन, हैव यू सॉल्वड माइन तो माइन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर योर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन, ही इज फॉर पॉइंट, डैश इज फॉर लॉयन, ए ऑप्शन ही, बी ऑप्शन सी, सी ऑप्शन इट, डी ऑप्शन दे। ऑप्शन ए ही इज फॉर पॉइंट, ही इज फॉर लॉयन, अगर ही लगाएंगे गलत हो जाएगा। बी शी, ही इज फॉर पॉइंट, शी इज फॉर लॉयन तो सी लगाएंगे गलत हो जाएगा। डी दे, ही इज फॉर पॉइंट, दे इज फॉर लॉयन, दे लगाएंगे गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 22, वी इज प्लूरल ऑफ आई, डैश इज प्लूरल ऑफ इट, ऑप्शन ही इज प्लूरल ऑफ इट, ही रॉन्ग हो जाएगा। सी देम, देम इज प्लूरल ऑफ इट, देम रॉन्ग हो जाएगा। डी शी इज प्लूरल ऑफ इट, शी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दे इज प्लूरल ऑफ इट। 23, हैंसम इज फॉर ही, डैश इज फॉर दे, ए हरसेल्फ, हरसेल्फ इज फॉर दे, रॉन्ग हो जाएगा। देमसेल्फ इज फॉर दे, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन आवरसेल्फ इज फॉर दे, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज फॉर मैन, विच इज फॉर डैश, ए ऑप्शन टीचर, हु इज फॉर मैन विच इज फॉर टीचर, टीचर रॉन्ग हो जाएगा। बी मदर, हु इज फॉर मैन विच इज फॉर मदर, विच मदर रॉन्ग हो जाएगा। सी बॉय, हु इज फॉर मैन विच इज फॉर बॉय, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन सी कार, हु इज फॉर मैन विच इज फॉर कार, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आवर्स इज फॉर वी, डैश इज फॉर ही, ए ऑप्शन माइन, माइन इज फॉर ही, रॉन्ग हो जाएगा। सी हर इज फॉर ही, रॉन्ग हो जाएगा। डी देयर्स इज फॉर ही तो रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिज। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे जीके का क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था मेरा इन विच ईयर डी आर डी ओ वाज एस्टैब्लिश्ड, इसका आंसर है 1958। तो एक क्वेश्चन मैं आज आपको बताती हूँ, क्वेश्चन है मेरा, विच इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 700 to 800 किलोमीटर, तो इसका आंसर है अग्नि 1। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन है मेरा, विच इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद जय भारत।